भारत के ग्रामीण इलाके जहां देश की करीब 3/4 आबादी रहती है आज निराशा और बीमारियों की चपेट में है। वहां आर्थिक और सामाजिक गिरावट साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज अगर आप किसी भी गांव में चले जाएं, लगभग 60% ग्रामीण आबादी का अस्थि पंजर या स्केलेटल सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आप एक पूरी निम्न स्तर की मानव जाति पैदा कर रहे हैं। यह फिलहाल देश में सबसे बड़ी मौन आपदा है। यह शोर नहीं करता, यह सुनामी या भूकंप या ऐसी कोई चीज जैसा बड़ा तमाशा नहीं करता, मगर यह आपदा बहुत चुपचाप घटित हो रही है। इन लोगों की सेहत बहुत खराब है, उनकी भौतिक स्थिति बहुत खराब है, वो कहां जाएंगे? साल 2004 में सद्गुरु द्वारा शुरू की गई योजना एक्शन फॉर रूरल रिजुविनेशन एक अनूठी और सुनियोजित परियोजना है, जिसमें गांव के लोगों में जोश और उत्साह को बढ़ाने के लिए चिकित्सा सुविधा व सामुदायिक पुनर्वास की सुविधा दी जाती है। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक इस परियोजना का मुख्य आकर्षण है। इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है, जहां स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ईशा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र कम से कम कीमत पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। अक्टूबर 2010 में सरकार ने पहली बार नामक्कल जिले के कुडली हिल में आयुष ईशा नाम से एक मॉडल परियोजना शुरू की। इस परियोजना में योग और फिटनेस कार्यक्रम सिखाए जाते हैं, साथ ही इसमें शामिल हैं हर्बल गार्डन, फलों के पौधे, पारंपरिक उपचार प्रणालियां और क्षेत्र के डॉक्टरों का एक नेटवर्क जिसे संगम कहा जाता है। गांव में नशे की बढ़ती समस्या के चलते खेल और मनोरंजन को एक स्वस्थ विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। ग्रामीण जीवन में तरोताजगी पैदा करने और उनका मनोबल बढ़ाने में ये छोटे छोटे कदम बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग इसे संभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो इसे कर दिखाएं। हम इसमें समर्थ हैं, हमारे पास वो तकनीक और साधन हैं, बस उसे अमल में लाने की जरूरत है।